टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब म्यूनिसिपल पोल के रिजल्ट्स आ गए हैं। जी हां, पंजाब में कांग्रेस ने बीजेपी का पूरा रास्ता ही साफ कर दिया है। सातों नगर निगम जीत लिए हैं कांग्रेस ने। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और भटिंडा नगर निगम जीता है। आपको बता दें कि भटिंडा नगर निगम कांग्रेस के खाते में 53 साल बाद आई है। वहीं भटिंडा शहर में विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मनप्रीत सिंह बादल वहां के विधायक हैं, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से कि राहुल गांधी ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है और घोर लापरवाही बरत रही है सरकार हमारी। आपको बता दें कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कल कहा था कि भारत में बाहर से लौटे 4 लोगों को कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप के जो संक्रमण है उसे होने की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस हो सकता है, उसके बावजूद उनमें से 2 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जबकि 1-1 लोग अंगोला और तंजानिया से लौटे थे। सभी यात्रियों को जांच में रखा गया और उनके कनेक्टेड हुए, संपर्क में आए हुए लोगों की भी जांच हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने खबर को साझा करते हुए ट्वीट करा कि केंद्र सरकार घोर लापरवाही बरत रही है और COVID-19 को लेकर अति विश्वासनीय में है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि COVID-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो क्या वजह है, आपको बताते हैं कि रातों रात किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया। अगर इसी बात को सियासी नजरिए से देखा जाए तो बेदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ था। आपको बताते हैं कि पुडुचेरी में नारायण सामी सरकार से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट प्रॉब्लम्स के बीच उपराज्यपाल किरण बेदी को भी मंगलवार को रातों रात उनके पद से हटा दिया गया। ऐसे में जहां काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये सही हुआ, वैसे में काफी लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये एक सियासी नजरिया है। लोगों का कहना है कि सियासी नजरिया को देखते हुए बेदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इसी कारण से किरण बेदी जैसी शख्सियत को रातों रात राज्यपाल के पद से हटा दिया गया। वहीं अगर बात करें कृषि कानून की, किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, तो बीजेपी के नेता आकर देखें आंदोलन, किसानों का या जाटों का, ऐसा कहना है राकेश तिकेत का, जो कि किसान नेता हैं। जी हां, किसान नेता राकेश तिकेत ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि सरकार किसान आंदोलन को पहले खालिस्तानियों का बता रही थी, फिर इसे सिखों का आंदोलन कहा गया, अब इसे जाटों का आंदोलन कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता यहां खुद आकर देखें कि ये आखिर किसका आंदोलन है। रेल चक्का कार्यक्रम की बात करते हुए तिकेत ने कहा कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा और अगर कोई हिंसा की बात करेगा तो उसका इलाज करेंगे। बात अगर अगली बड़ी खबर की करें जो कि मुंबई से आ रही है, तो मुंबई में पिछले 1 हफ्ते से कोरोना के बढ़ते केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन फिर दोबारा लग सकता है। मुंबई के एम वार्ड में BMC से ज्यादातर नोटिस ये आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने की मुसीबत आ सकती है। ऐसे में BMC ने कहा है कि अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस लाएं और लोग उसको फॉलो ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करें, तो लॉकडाउन किया जा सकता है। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें जो कि टूलकिट केस से रिलेटेड आ रही है, तो शांतनु के बाद निकिता को भी गिरफ्तारी से राहत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको ट्रांजिट बेल मिली है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते का ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। इसका साफ मतलब है कि इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ ही अदालत की ओर से ये भी कहा गया कि अगर निकिता जेकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बाउंड पर राहत मिल सकती है। वहीं अगली बड़ी और हैरतअंगेज खबर आ रही है बिहार से कि बिहार में 20 रुपए का गुटखा नहीं देने पर उधारी पर गोली मारकर जान ले ली गई। बिहार के सुपौल जिले से ये सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां 20 रुपए का गुटखा एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि उसकी मौत हो गई। यहां हम बात दुकानदार की कर रहे हैं कि दुकानदार ने 20 रुपए का गुटखा उधार देने से मना कर दिया था। पूरी कहानी आपको बताते हैं। आरोपी अजीत कुमार ने किराना दुकान पर पहुंचकर मिथिलेश कुमार नाम के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि हुआ ये कि इस घटना से 1 दिन पहले अपराधी अजीत कुमार का मिथिलेश कुमार के बाप के साथ एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। उस दिन अजीत कुमार मिथिलेश कुमार की दुकान पर पहुंचा और 20 रुपए का गुटखा उधार में देने को कहा।
गुटखा ना देने से और इनकार करने के बाद दोनों में जम के झड़प हुई। उसके बाद अगले दिन मंगलवार की सुबह अजीत कुमार अपने दो दोस्तों के साथ उसी दुकान पर पहुंचा। वहां पर बाप तो मौजूद नहीं थे लेकिन बेटा मौजूद था। ऐसे में गुस्से का कहर इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाप की मौजूदगी ना होते हुए उन्होंने उनके छोटे बेटे मिथिलेश कुमार को जान से मार डाला। वहीं 26 जनवरी के लाल किले मामले में मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि उनके पास से दो तलवारें जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने दीप सिद्धू समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और हाल ही में दिल्ली पुलिस की टीम ने मनिंदर सिंह को पीतमपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। अब आइए बात करते हैं इंटरनेशनल बड़ी खबरों की, जहां पर खबर आ रही है पाकिस्तान से कि पीएम मोदी की बराबरी करना चाहते थे, हिंदुस्तान की बराबरी करना चाहते थे इमरान खान, लेकिन श्रीलंका ने उनको एक करारा झटका दे दिया। जी हां, सुनने में आ रहा है कि भारत को लेकर इमरान खान श्रीलंका से बातचीत करना चाहते थे, उस दौरे को करना चाहते थे, लेकिन उस दौरे के कार्यक्रम को कोलंबो ने रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि भारत के साथ कहीं श्रीलंका के रिश्ते खराब ना हो जाए, इस डर से श्रीलंका ने इमरान के दौरे का प्रोग्राम रद्द कर दिया। बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें चीन से, तो चीन की खबर आ रही है मुसलमानों से तहे। जी हाँ, मुसलमानों को तबाह करने में जुटी हुई है चीन। मस्जिदों में लाउड स्पीकर बैन कर दिया है। ना ही सिर्फ लाउड स्पीकर बैन कर दिया है बल्कि अरबी भाषा पर भी रोक लगा दी गई है। जी हाँ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर नई मस्जिदों को बनने से भी रोक दिया गया है। लाखों उइगर मुसलमानों की दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। बात अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की करें तो उसके मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी तरह से कोशिशें यही हो रही कि मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन कर ले। बात अगर धार्मिक नेताओं की करें तो उन्होंने बताया है कि इससे पहले चीनी प्रशासन पूरी तरह से मुसलमानों के साथ खड़ा था, लेकिन जब से शी जिनपिंग की सरकार आई है उसके बाद से मुसलमानों के साथ बेहद दर्दनाक सलूक हो रहा है। हेलो, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाओ। आए, अभी मिलना है। हाँ, दादी शादी को राजी हो गए। फोन रखो, मैं चील के जैसा उड़ लेते आ रहा हूं। भाई मुबारक। इसको बोलता देख, एंड शिकार के टाइम पे पेट खराब होना। अरे जा ऑटो रिक्शा बंडी कुछ भी देख जा। ऑटो ऑटो ऑटो, अरे ऑटो। अरे क्या हुआ रे? अरे भाई एक भी ऑटो नहीं रुक रहा। अरे तो कैब बुक करना। भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। ये कैब बुक करने के वास्ते स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। टॉक ट्रेवल्स बोल के नई कंपनी लॉन्च हुई, अगर स्मार्टफोन है तो ऐप से बुक कर लो। तुम्हारे जैसा अगर डब्बा फोन है तो नंबर मिला लेना। हेलो टॉक, टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक। आए टॉक ट्रेवल सॉल्यूशंस, कैब बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो।